Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Vika India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे टैरो मैजिक के बारे में. टैरो मैजिक क्या होता है? कोई मैजिक जिसमें हम टैरो को एज अ टूल यूज करते हैं वो टैरो मैजिक होता है, और टैरो के साथ में जो मैजिक किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि टैरो कार्ड्स में बहुत सारे ऑकल्ट सिंबल्स हैं. टैरो कार्ड्स बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत सारी एनर्जी एमिट भी करते हैं, इसलिए टैरो मैजिक काफी इफेक्टिव होता है. लेकिन टैरो मैजिक करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, पहले से काफी नॉलेज होना चाहिए. आपको सबसे पहले तो टैरो कार्ड्स की रीडिंग करना आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए डिटेल में कि हर कार्ड का क्या मीनिंग है और कौन से कार्ड को हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं. उसके बाद में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैजिक के बारे में होना चाहिए. आपको स्पेल कास्टिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टैरो मैजिक कर सकते हैं. एक टैरो रीडर के लिए टैरो मैजिक बहुत ही काम का होता है, काफी यूजफुल होता है, क्योंकि आपको ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं है. आप टैरो रीडर हैं, आप लोगों की रीडिंग कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशन देने के लिए भी आप कार्ड्स को यूज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम टैरो मैजिक करते हैं तो मैजिक का डेक जो है वो आपकी रीडिंग के डेक से अलग होना चाहिए और मैजिक के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, तभी वो डेक आपके लिए काम करेगा. टैरो मैजिक, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैजिक में पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, मैजिक में नेगेटिव एनर्जी भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशंस. तो अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो वो वाइट मैजिक आप कर रहे हैं तो आप टैरो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डार्क साइड में भी यूज कर सकते हैं. तो अगर कोई डार्क साइड में टैरो मैजिक करके या कोई मैजिक करके प्रॉब्लम में आ जाता है तो उसको व्हाइट मैजिक से हटाया जा सकता है, और टैरो के जरिए भी आप व्हाइट मैजिक करके अपने क्लाइंट्स को, अपने रीडर्स को, अपने लोगों को हेल्प कर सकते हैं. अब ये बहुत ज़रूरी है जानना कि टैरो मैजिक करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए और कहाँ से आप उसे सीख सकते हैं. सबसे पहले जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, कोई किताब पढ़कर इंटरनेट से स्पेल डाउनलोड करके आप उसे सीधा ना करें, बल्कि ये जरूरी है कि मैजिक के लिए आपका एक टीचर हो, आपका एक गाइड हो, आपका एक गुरु हो. टैरो मैजिक आप सीख सकते हैं इंस्टीट्यूट से, कुछ इंस्टीट्यूट हैं इंटरनेशनल, वहां से आप सीख सकते हैं. अगर इंडिया में आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं. विका इंडिया में टैरो मैजिक के कोर्सेज हैं. टैरो मैजिक से पहले आपको स्पेल कास्टिंग सीखनी होगी, और उससे भी पहले आपको टैरो रीडिंग सीखनी होगी. ये चीजें अगर आपको आती हैं तभी आप टैरो मैजिक कर सकेंगे. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप टैरो मैजिक सीखेंगे और टैरो मैजिक का यूटिलाइजेशन करेंगे और लोगों को मदद करेंगे.